पंचम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पराधीनता नेच्छामि, मतलब पराधीनता दूसरों के अधीन रहना अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे के अधीन आप कुछ समय के लिए सुख पूर्वक कार्य कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ वह कार्य लाभदायक नहीं होता है। तो देखते हैं इस पाठ में क्या कहा गया है। पराधीनता की चुपड़ी रोटी से स्वतंत्रता के सूखे चने श्रेष्ठ है। मतलब कहने का कि किसी दूसरे के अंडर में अंदर रहकर काम करना, किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य करना आपके लिए कुछ समय के लिए लाभदायक हो सकता है। हो सकता है आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले, आपके ऐसो आराम की चीज़ें भी आपको मिल जाए, लेकिन दूसरों के द्वारा किया गया कार्य, दिया गया सुख कभी भी समय के साथ आपको हमेशा के लिए लाभदायक नहीं होता है। लेकिन अपने द्वारा थोड़ा सा भी किया गया कार्य, मतलब आप अपने लिए अगर थोड़ा कम कार्य करेंगे लेकिन अपने आप स्वयं अपने मेहनत से करेंगे तो वह क्या होगा, कम समय का होगा लेकिन लाभ आपको ज्यादा देगा। देखते हैं क्या कहता है। अर्थात स्वतंत्रता में किया गया कार्य, मतलब अपने मन से अपनी खुशी से किया गया कार्य अल्प कार्य भी लाभ कुशल होता है। मतलब अपने अनुसार किया गया कार्य, अल्प कार्य मतलब छोटा कार्य भी जो हम अपने खुशी से अपनी इच्छा से और अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं वो लाभ भी देता है और हमारे मन को संतुष्ट भी करता है। लेकिन पराश्रित दूसरों के अंदर आश्रित होकर किया गया कार्य तक्षण अर्थात एक क्षीण समय, छोटा समय, कम समय के लिए लाभदायक हो सकता है परंतु भविष्य का समय भाव शून्य हो जाता है। दूसरों के साथ दूसरों के हिसाब से किया गया कार्य आपको कुछ समय के लिए लाभ देगा लेकिन आपका भविष्य क्या है, अंधेरे में डाल देगा, आपको लाइफ टाइम कोई भी सहायता नहीं कर सकता है। अपने लिए कार्य करने के लिए आपको खुद तत्पर होकर आगे बढ़ना चाहिए, खुद मेहनत करनी चाहिए। इस पाठ में एक कुत्ते और एक भेड़िए की कहानी है, यही पराधीनता से संबंधित बताया गया है इस पाठ में। इस पाठ का नेक्स्ट वीडियो हम आपको एक्सप्लेन सेंड कर देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ग्रुप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।